तो आज संडे है ना, लोग सैटरडे को निकल रहे होते हैं, तो आज संडे इसलिए खाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम थोड़ा सा, आज संडे है तो थोड़ा टाइम पास करने निकले हैं, और थोड़ा काम भी है, और काम क्या है वो आगे थोड़ी देर में पता लग जाएगा। इनफैक्ट टाइटल से ही पता लग जाएगा, अगर हम टाइटल में डाल देते हैं तो थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो अभी हम निकल चुके हैं थाने के लिए, और यहाँ से 25 किलोमीटर्स टाइम लगेगा, ट्रैफिक है, तो चलो चलते हैं। ए यार, अच्छा खासा तो है बेचारा। एक बार देख लो। अरे मेरा शर्ट पड़ेगा। अरे देखो ना, नहीं हो रहा ना, शर्ट की स्लीव अटक रही है। मैं तो लॉक नहीं किया, इसलिए है ना ये वो हो गया, ये वो है। चलो डालो। तो ये हमने इक्विपमेंट मैट ले ली, हर्ष ने क्या है ना, डंबल नीचे फ्लोर क्या फ्लोर डैमेज ना करे करके। तो अभी हम थाने वाले डिकैथलॉन में आए चेक करने कि कुछ इक्विपमेंट्स चेक करने थे, वो कैसे हैं, क्योंकि वो घर के पास वाले डिकैथलॉन में तो अवेलेबल थे नहीं डिस्प्ले पे। तो अभी यहाँ पे आके चेक किया, अच्छा है। अभी किया है ऑर्डर, पिकअप करने जाना पड़ेगा, उनका कॉन्फर्मेशन आएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे कॉस्ट हो रहे हैं मिस्टर DIY, ऑलमोस्ट पूरा अमेजोन ही है, मतलब कपड़े नहीं मिलते, बाकी काफ़ी पूरा ऑलमोस्ट अमेजोन जैसा ही है, काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, तो वहाँ पे चलते हैं। ये रहा मिस्टर DIY, और चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो दोपहर में निकले थे, 2 बजे ही निकले थे, 12:30 बजे निकले थे, और अब बज रहे हैं 7, रात हो गई है। थाने में हम देख के आ गए प्रोडक्ट, और फिर हमने सोचा RCT का मैसेज आएगा, RCT से कलेक्ट कर लेंगे, बट RCT वाला डिकैथलॉन मुझे लगता है अपडेट करना ही भूल गया कि कलेक्ट कर सकते हैं। तो कब से उन्हें फ़ोन मिला रहे, वो फ़ोन उठा नहीं रहे। फिर उसके बाद गाड़ी वॉश करवाई, प्रसाद गया सैलून, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद फोन मिलाए इतने देर, तब जाके उन्होंने फोन उठाया, कह रहे स्टॉक है स्टोर में। अभी जा रहे हैं RCT, बहुत ट्रैफिक मिलेगा, बहुत क्राउड मिलेगा, और मैं बहुत थक चुकी हूँ, सुबह से घूमूंगी, सुबह से कुछ नहीं खाया। RCT जाने की ट्रैफिक, एक्चुअली जंक्शन है वहाँ ट्रैफिक तो होता ही है। तो ये है वो पैकेट जो हम कल लेके आए थे डिकैथलॉन से, और समय आ गया इसको अनबॉक्स करने का। कल एक्चुअली हिम्मत नहीं बची थी, बहुत थक गए थे। और एक और चीज है, उससे पहले अनबॉक्स करने से पहले, इक्विपमेंट मैट, वैसे तो आई डोंट थ्रो वेट्स, अगर चाहे मैं जिम में हो चाहे मैं घर पे हूँ, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एन इक्विपमेंट मैट, इससे आपका फ्लोर डैमेज होने से बच जाता है। तो इसका कॉस्ट अराउंड 2200 समथिंग, इसका मैं लिंक दे दूंगी अगर किसी को लेना है, बट इट्स गुड, टफ है, प्लेट्स डंबल सब इस पे रख सकते हैं। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, बहुत ही खराब पैकेजिंग भी है, पता नहीं क्यों, लाते लाते ना साइड से ना 2 पाइप निकल भी गए। कैसे होगा ये, और इसे करना असेंबल, पहले से बाहर तो निकाल लेते हैं एटलीस्ट, और डब्बा पेन लेते हैं। ये कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, ठीक है,
ऐसे ना कोई टकरा जाए, ठीक है ना? क्या फर्क पड़ता, बोलेंगे आंखें खोल के चलो। हाँ तो इसलिए मैंने बोला था। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी अंदर चला गया ना तो थोड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है। ओ यहाँ पे हम अपने डिस्वेट्स रख सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन है। अब हमारे पास पुल अप बार भी है, स्क्वाट रैक भी है, तो कंप्लीट हो गया। बढ़िया, अभी बारबेल से भी हम चेस्ट प्रेस मार सकते हैं। इधर जे माउंट है, दो जे माउंट है, ऊपर वाला जो जे माउंट है वो स्क्वाट के लिए, नीचे वाला यू कैन यूज फॉर चेस्ट प्रेस। और कुछ भी डिटेल आपको चाहिए इसके बारे में तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे आईडी आ रही होगी। बाकी क्वालिटी अच्छी है, स्टेबल है। जैसे कि हम गए तो हमने पहले जाके चेक किया इसकी क्वालिटी सब, जितने भी हमने जिम इक्विपमेंट्स लिए ना, पहले हमने जाके डीकैथलॉन के स्टोर में जहाँ पे भी डिस्प्ले था स्टोर में जाके चेक किया है, तभी ऑनलाइन ऑर्डर किया है। एंड आई वुड सजेस्ट यू द सेम, क्योंकि बहुत लोगों को कंप्लेंट है कि बेंच की हाइट छोटी है तो पीपल हु आर टॉलर उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है डिक्लाइन में। आई गेस 6 फीट से कोई भी ऊपर होगा उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो आप सोच रहे होगे कि मैंने वो बड़ा वाला रैक क्यों नहीं लिया जिसमें पुली वगैरह था, यार इसको ही देख लो इतना ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर ली तो वो लेने का फायदा ही नहीं था। ये यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? अगर वो बड़ा वाला लेती ना वो यहाँ तक आता, तो अब समझ सकते हो कितना बड़ा हो जाता वो। एक्चुअली क्या है, जो उस फ्रेम की जो लेंथ है ना, ये वाला पार्ट वो इतना ही है, बट उसके पीछे ना पुली की मशीन एक्स्ट्रा है, तो वो उतना जो पार्ट है ना वो पुली की मशीन घेर लेती है, तो फ्रेम आगे चल जाता है और पुली की मशीन पीछे आ जाती है, इसलिए वो बहुत बड़ा हो जाता है। Know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. और ये पुल अप बार देख रहे हो, इस पे बिल्कुल भी कुशनिंग नहीं है, लग गया हाथ में, पूरे लाल हो गए। ग्लव्स पहन के ही मारना पड़ेगा या फिर इसके लिए एक्स्ट्रा कुशन मिलता है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, और अगर आपने हमारा कैंपिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो भी जाके देख लेना। सो बाय बाय।